हेलो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन ईयर द क्वेश्चन सेज अ पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म डिजीज इन ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ यहाँ पे हमें बताना है कि माइक्रोस्पोरम जो है पैथोजन जो रिंगवम डिजीज करता है वो तो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ऐसे ही किंगडम से हमें यहाँ पे पैथोजन दे रखा है वो ढूंढ के बताना है राइजोपस अमोल्ड एसकेरी राउंडवर्म वर्म तीनिया अटेपम गोचर लेट्स फिलर द की कांसेप्ट हियर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें पता है कि आर एस बिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था क्या दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ठीक है इसमें कौन कौन से किंगडम दिए थे हमें ए दिया था मोनिरा सेकेंड प्रोटेस्टा थर्ड इज पंजाई फोर्थ इज प्लांटी, लास्ट वन वाज, लास्ट वन क्या था एनिमेलिया, ठीक है यहाँ पे जो हमें दे रखा है माइक्रोस्पोरम ये रिंगवम डिजीज करता है और ये बिलोंग करता है फंजाई से देखो जो रिंगवम डिजीज होती है ना ये एक फंगस से कॉज होती है किससे होती है फंजाई फंगस होती है ये जिसमें आती है माइक्रोस्पोरम जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है ट्राइकोफाइटोन एपीडरमो एपिडर्मो, फाइटोन ठीक है इससे ये डिजीज होती है तो ये क्या करते हैं रिंगवर्म कॉस करते हैं रिंगवर्म में मेनली क्या होता है स्किन और जो नेल्स होते हैं ना इंची बहुत ज्यादा होती है ठीक है खुजली होने लगती है और जहां पे हीट मॉइस्चर ज्यादा होता है एज यूजल वहां पे फंगस ज्यादा ग्रो होती है हीट और मॉइस्चर आप दे दो फंगस जल्दी ग्रो होने लग जाती है ठीक है सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दैट इज राइजोपस पस मोल्ड राइजो जो होता है ना ये क्या कॉज करता है जब आप ब्रेड पे देखते हो ब्लैक ब्रेड मोल्ड है एक तरह के फंगस लग जाती है जिसपे आपकी ब्रेड है ना ऊपर तो से ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है ठीक है अगर आप टाइम पे यूज नहीं करो तो ब्रेड में ऐसा दिखने लगता से ही है फंगस है ये तो ये जो है ये फंगस है फंगस से होता है जिसका नाम क्या है राइजोपस हाँ राइजोपस मोल्ड एक तरह की है ठीक है तो ये हमारा आंसर सही है क्योंकि ये फंजाई ही है राइजोपस है जो फंगस ही होती है एक तरह की सेकेंड एस्केरिस एस्केरिस जो है राउंड वर्म होता ही है ये ये क्या करता है एस्केरियस कॉस करता, करता है ये ठीक है और ये एस्केरिस कहा से बिलोंग करता है दे रखा है एस्केरिस ये क्या है ये तो किंगडम एनीमेलिया का है एनिमेलिया में भी आप स्पेसिफिकली देखो तो ये कहाँ पे फाइलम क्या होता है इसका स्केलम होता है तो ये वाला तो नहीं है गलत हो गया ये थर्ड जो है टीनिया और टेपवम ये जो होता है ना ये आप जब अंडर कुक हो या फिर आपने अच्छे से पोर्क को पकाया नहीं है तो उससे फैलता है पिग के मसल्स के अंदर आपके टेपवम के जो एग्स होते हैं ना उसका लार्वा बन जाता है ठीक है तो इस तरह से क्या ये डिजीज फैलती है अंडर कुक या फिर इन परफेक्टली कुक्ड पोर्क से फैलती है पोर्क आपने अच्छे से पकाया नहीं उसको आपने कंज्यूम कर लिया टेपम के जो लार्वा है आपके अंदर आ जाता है और इस तरह से डिजीज कॉज होती है और टीनिया क्या होता है ये प्लेटी हेलमनतीस है टेपम है ना ये ये प्लेटी हेलमनतीज के अंदर आता है प्लेटी हेलमन कहा से आ गया ये भी एनिमल किंगडम का पार्ट है एरियाल वर्म देखो ये भी राउन वर्म है फीलियल वर्म क्या होता है ये भी एसकेलमतीस का पार्ट है ठीक है और वो एरिया क्या कॉज करता? करता है कि एलिफेंटेसिस कॉज करता है फिलियर मतलब जिसमें हाथी पाव नहीं हो जाता है ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स पे अटैक करता है और वहाँ पे क्या वो सूज जाती है हमारा जो लोअर पार्ट है वो सूज जाता है लिम्स वगैरह स्कोराटम एरिया ज़्यादा सूज जाता है इसके अंदर ठीक है तो ये एलिफेंटेसिस कॉज करता है और ये किसका पार्ट है एसके एलम का पार्ट है तो ये कहाँ का हुआ ये भी एनिमल किंगडम का हुआ तो ये भी गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया देखो ये तीन जो है ना एसकेर से चीनिया और गुचेरिया तीनों एनिमल किंगडम में आएंगे ये तीनों कहाँ के एनिमल किंगडम के हैं राइजोपस है ना द ओनली वन जो फंजाई से बिलोंग करता है और यहाँ पे जो हमारा पैथोजन दे रखा है माइक्रोस्पोरम वो भी फंजाई से बिलोंग करता है सो अंसल बी ए राइजोप अमोल्ड वो बी अंडरस्टू वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक